प्रियेशाज यंग गाइस, इस वीडियो में हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 की जो मार्च 2021 एग्जाम के लिए जो ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक आई है, ये है क्वेश्चन बैंक फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन बैंक का फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी बनाया है जिसके अंदर हमने लैंग्वेज स्टडी कवर किया। तो पूरे क्वेश्चन बैंक का फॉर्मेट ये है कि सेक्शन वन जैसे लैंग्वेज स्टडी होता है तो दो पूरे कम्प्लीट पेपर्स उन्होंने दिए, तो एक्टिविटी सेट वन और एक्टिविटी सेट टू। तो ये है एक्टिविटी सेट वन का लैंग्वेज स्टडी, इसके अंदर 10 मार्क होता है लैंग्वेज स्टडी का। तो 4 मार्क का पहले डू एस डायरेक्टेड होता है, एनी 4, 5 में से 4 करने हैं, तो ये 4 मार्क्स। फिर उसके बाद ए टू में अगेन डू एस डायरेक्टेड एनी 2, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो ये और 4 मार्क्स, तो 4+4 8 हुआ। और ये डू एस डायरेक्टेड एनी 1 फॉर 2 मार्क्स, दिस गिव्स यू 2 मार्क्स। तो टोटल 10 मार्क्स का लैंग्वेज स्टडी होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। ये एक्टिविटी शीट 1 है और इसके बाद एक्टिविटी शीट 2 भी है, ये देखिए। तो एक्टिविटी शीट 2 में भी लैंग्वेज स्टडी 10 मार्क्स का है, सेम पैटर्न, डू एस डायरेक्टेड एनी 4 फॉर 4 मार्क्स, तो एनी 5 में से एनी 4 करने हैं। फिर डू एस डायरेक्टेड एनी 2 अगेन फॉर 4 मार्क्स, एंड देन डू एस डायरेक्टेड एनी 1 फॉर 2 मार्क्स। तो ये हमारी लैंग्वेज स्टडी कंप्लीट होती है, ये हमने पार्ट 1 वीडियो में कवर किया था। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, वो है अब सेक्शन 2, टेक्सचुअल पैसेजेस। तो टेक्सचुअल पैसेजेस जो आपका सेक्शन 2 है, ये 20 मार्क्स का होता है, मतलब लैंग्वेज स्टडी 10 मार्क्स का और टेक्सचुअल पैसेज 20 मार्क्स का। ये सबसे बड़ा सेक्शन है, मतलब है, सबसे ज्यादा वेटेज वाला सेक्शन है। इसके अंदर आपके दो पैसेजेस होते हैं, आपके जो प्रोज चैप्टर्स है उसमें से कोई भी दो चैप्टर्स में से एक एक पैसेज आएगा, मतलब दो पैसेजेस पर पैसेज 10 मार्क्स। तो एक्टिविटीज सेट वन जो है उसका सेक्शन टू टेक्सचुअल पैसेजेस याद दिया गया है, तो ये 10 मार्क्स का एक पैसेज है, 10 मार्क्स का और एक पैसेज है। और फिर हम एक्टिविटी शीट 2 भी देखेंगे, एक्टिविटी सेट 2 के भी दो पैसेजेस है, मतलब इस वीडियो में हम 4 पैसेजेस कवर करने वाले हैं फ्रॉम टेक्सचुअल पैसेजेस ऐसे। क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक्टिविटी सेट 1 और 2 दोनों हमें इस क्वेश्चन बैंक में दी गई है, मतलब बेसिकली बोर्ड ने हमें दो पेपर्स दिए आधा आधा करके, पार्ट पार्ट करके, हर सेक्शन रिपीट किया है ऐसे। अगर आपको पेपर पैटर्न भी देखना है कैसा पेपर पैटर्न होता है, तो ये देखिए, यहाँ पे हमने किया था लैंग्वेज स्टडी, दिस इज फॉर 10 मार्क्स, टेक्सचुअल पैसेजेस 20 मार्क्स, तो टोटल हो गए आपके 30 मार्क्स। फिर सेक्शन 3 पोइट्री आएगा, इधर 10 मार्क्स है, तो 40 मार्क्स हो गए। फिर नॉन टेक्सचुअल पैसेज आएगा, एक नॉन टेक्सचुअल पैसेज 10 मार्क्स, और फिर उसका समरी लिखना होता है वो 5 मार्क्स, सो ये हो गए हमारे और 15 मार्क्स। तो टोटल 20, 30, 40 एंड दिस इज 55 मार्क्स, 55 मार्क्स आउट ऑफ 80 आपका ये हो जाता है। फिर राइटिंग स्किल और क्रिएटिव राइटिंग है जो, वो 25 मार्क्स है, ये देखिए 5, 10, 15, 20 एंड दिस इज 25 मार्क्स। तो ये आपका 80 मार्क्स का पैटर्न है। तो अब आ जाते हैं सेक्शन 2 पे, टेक्सचुअल पैसेजेस, पहला पैसेज देखते हैं। और हमेशा याद रखना, पैसेजेस जब होते हैं, बी इट इन इंग्लिश, हिंदी, मराठी या कोई भी लैंग्वेज हो, हमारा पैटर्न कैसे होता है, पहले 2 मार्क का जो सवाल होता है, मतलब टोटल मार्क्स इस पैसेज पे 10 है, लेकिन जो शुरू में 2 मार्क का सवाल होता है बहुत ईजी होता है, इट्स वेरी सिंपल, और वो शुरू होने के, वो बताने के बाद फिर पैसेज शुरू होता है। देखिए हमारा पैसेज नीचे यहाँ पे, तो पहले हम पैसेज ही पढ़ेंगे तो ही हम सारे आंसर्स दे पाएंगे। तो ये देखिए हमारा पैसेज यहाँ है, वी सॉ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रू द स्मॉल क्रैक्स इन अ कॉन्क्रीट पेवमेंट। अगर आप ये पढ़ोगे आपको याद आएगा कि ये अल्केमी ऑफ नेचर हमारा चैप्टर है इंग्लिश में, वो चैप्टर से है ये पैसेज। तो ये देखिए यहाँ पे क्या मतलब है इसका, कि स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास जो है वो बाहर निकलती है कॉन्क्रीट पेवमेंट के क्रैक्स में से। मतलब क्या, कॉन्क्रीट पेवमेंट क्या होता है, जब रोड बनाया जाता है, कभी टाइल्स लगाई जाती है, कुछ होती है, तो बीच में जो क्रैक्स है, बीच में जो जगह होती है, वहां से भी घास उगती है ना, क्योंकि जमीन से घास उगती है, लेकिन अगर हमने कॉन्क्रीट लगा दिया तो फिर घास उगने का चांस नहीं है, क्योंकि पूरा वो रोड बना दिया है हमने उसका, कॉन्क्रीट रोड, लेकिन वहां पे भी कब क्रैक्स आ जाते हैं, तो वहां से भी ग्रास उगने लगती है। आपने देखा भी होगा, मैं आपको इमेज भी बताऊंगी, ये देखिए ऐसे जो क्रैक्स होते हैं, जहाँ पे भी आउटलेट होता है वहां से ग्रास उगने लगती है। तो इसके बारे में बात की जा रही है, तो वही कहा जा रहा है कि इट लेफ्ट अस थिंकिंग, हाउएवर इम्पॉसिबल थिंग्स में लुक, देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग। मतलब ये ग्रास को देख के हमें ये पता चलता है कि कितना भी इम्पॉसिबल लगे कि यहाँ पे घास कैसे उग सकती है, लेकिन ओपनिंग होती है वहां पे भी, इम्पॉसिबल जगह पे भी, और चीजें होती है, तभी भी हम कुछ कर सकते हैं। सेकेंड पैराग्राफ है, वी सॉ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स। है ना, जब ठंड में पूरा ट्री है अपने सारे लीव्स शेड कर देते हैं, डेसिडियस ट्रीज होते हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा भी होगा। वी थॉट इट्स चैप्टर वाज ओवर,
हमें लगा इसके सब लीव्स उतर गए हैं, पूरा ये अभी ये ट्री मर जाएगा, इट्स चैप्टर वाज ओवर। बट 3 months passed, spring set in and the tree was back to its green majesty once again, full of leaves, flowers, birds and life. है ना, फिर बाद में जब स्प्रिंग आता है तो वापस विंटर में लीव्स झड़ जाते हैं और फिर स्प्रिंग में वापस लीव्स आ जाते हैं। What if we too had that conviction? However difficult things are right now, it will not remain so forever. हमें भी ऐसा conviction होना चाहिए, हमें भी ऐसा ऐसा जज्बा होना चाहिए, ऐसी thinking होनी चाहिए, हमारी ऐसी belief होनी चाहिए कि कितना भी difficult चीजें हो अभी, ऐसी difficulty नहीं रहेगी हमेशा। और remember, this too shall pass. मतलब ये चीजें भी गुजर जाएगी, बुरा वक्त है जो वो गुजर जाएगा, it will pass away and we'll have happiness again. तो हमने दो चीजों के बारे में देखा, एक small bits of grass और ये था bare tree. अब थर्ड पैराग्राफ जो है वो है, we saw an army of ants lugging a fly which was at least 10 times the ant size. तो एक मतलब हाउस फ्लाई जो होती है मक्खी, उसको एक ants का पूरा झुंड जो है, army of ants है, वो उसको 10 गुना उससे, उनका वजन से 10 गुना ज्यादा ये फ्लाई का वजन होगा, लेकिन वो एंट्स उसको उठा के ले जा रहे थे, है ना, उसको खींच के लेके जा रहे थे। द एंट्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स अराउंड द फ्लाई, लिफ्टेड इट ऑन फ्रेल फीलर्स एंड कैरीड इट टू क्वाइट डिस्टेंस। सो एंट्स ने क्या अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, है ना, सब एंट्स एक साथ ही, तो उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया। अगर सब एक साथ काम करेंगे लेकिन सब अलग अलग दिशा में खींचेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया फ्लाई के अराउंड, उसको उठाया, उनके फ्रेल फीलर्स जो होते हैं, उनके जो एंटलर्स जैसे होते हैं जो फ्लाई के, उनके ऊपर उन्होंने, उनके सिर पे जैसे उन्होंने उस फ्लाई को उठाया और उसको लंबे डिस्टेंस तक लेकर गए, लंबे रास्ते तक लेकर गए। देयर टीम वर्क एंड परसिवियरेंस, टीम वर्क मतलब सब एक साथ काम कर रहे हैं, और परसिवियरेंस मतलब लगे रहना, मतलब हार नहीं मानना, कंटिन्यूसली लगे रहना, अपना काम करते रहना। तो देयर टीम वर्क एंड परसिवियरेंस वर इम्प्रेसिव। व्हाट इफ वी टू आर कंसिस्टेंट, ऑर्गेनाइज्ड, फोकस्ड? क्या अगर हम भी ऐसे ही कंसिस्टेंट रह गए, मतलब हमने कभी एक दिन पढ़ाई की, एक दिन छोड़ दिया, एक दिन काम किया, एक दिन नहीं किया, वैसे नहीं चलता। हम ऑर्गेनाइज रहे, फोकस्ड रहे और कंसिस्टेंट रहे तो हम भी ऐसी इम्पॉसिबल चीजें जो इतना भारी भार भी हम उठा सकते हैं। तो ये हो गया आर्मी ऑफ एंट्स के बारे में। स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट येट वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। तो स्पाइडर वेब्स मतलब मकड़ी का जाला, वो डेलिकेट होता है, एकदम पतले धागे का होता है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। रेनबो कलर्स दी एंटायर स्काई, रेनबो जो हवा में बनता है बारिश के टाइम पे, वो पूरे स्काई को कलरफुल कर देता है। ऑयस्टर्स टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, दे ओपन अप विद अ पर्ल। तो ऑयस्टर्स जो होते हैं पानी में, जो हम देखते हैं ना पर्ल निकलता है, जो सीप निकलता है, तो ऑयस्टर्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उस शेल के अंदर, वो ये सीप बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो, जब कोई भी मट्टी का पार्ट उनमें अंदर आ जाता है तो वो उसके अराउंड ये सिक्रीशन जो है उससे पूरा उसको कवर कर लेते हैं, और ये जो होता है हमें बाद में ये पर्ल की तरह मिलता है, जो काफी सारे डेकोरेटिव वर्क्स में यूज किया जाता है एज ज्वेलरी एक्सेट्रा। तो ये पर्ल बन जाता है, मतलब सैंड से पर्ल बन गया, सैंड की वजह से पर्ल बन गया। इन्यूमरेबल स्टार्स शाइन अक्रॉस द इनफाइनाइट स्काई, तो इतने सारे तारे हैं आसमान में, स्काई भी इनफाइनाइट है, मतलब उसका कोई अंत नहीं है। क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स विद एवरी पासिंग मोमेंट, क्लाउड्स अलग अलग अपना शेप बदलते रहते हैं जैसे जैसे समय गुजरता है। The wind makes trees dance with unhindered passion. पवन जो है वो पेड़ों को नचाती है with unhindered passion. Unhindered का मतलब होता है कोई हिंड्रेंस नहीं, कोई बीच में कुछ ऑब्स्टिकल नहीं, कुछ नहीं, बिना कोई झिझक के वो, मतलब पैशन और ऑब्सेशन, मतलब पैशन मतलब एक लगाव, लगन से ऐसे वो नाचते ट्रीज। वॉटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो, मतलब पानी जो है वो कोई भी उसमें ईगो नहीं है, कोई ईगो का हिंट भी नहीं है। चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द सन एंड द विंड, तो जैसे पानी सन होगा सूरज के टाइम पे तो वाटर वाटर वेपर बन जाता है, इवेपोरेशन होता है, तो जैसे सन उसको सन का जो डिक्टेशन होता है, मतलब जो सन का ऑर्डर होता है, जो विंड का ऑर्डर होता है, समबडी डिक्टेटिंग यू मतलब कि वो ऑर्डर दे रहे हो, आपको बता रहे क्या करना है, तो उस हिसाब से हवा के साथ भी जैसे क्लाउड्स, रेन बेयरिंग क्लाउड्स भी वो फ्लो हो जाते हैं, तो पानी भी अपना रुख बदलते रहता है बेस्ड ऑन व्हाट द ऑर्डर इज गिवन बाय द सन एंड द विंड, ऐसा द डिक्टेशन जो उनका ऑर्डर है। वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द सन एंड द विंड। व्हेन वी सी अ कैटरपिलर टर्न इनटू अ बटरफ्लाई, है ना, कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनता है। फ्लावर टर्न्स इनटू अ फ्रूट, फ्लावर से फ्रूट बनता है।
वी एक्सपीरियंस द एल्केमी ऑफ नेचर, वी टच इट एंड बिकम गोल्ड असेट्स। एल्केमी का क्या मतलब होता है? एल्केमी मीन्स एक पावर, एक मैजिक जो चीजों को बदल सकती है। तो पुराने जमाने में ऐसे माना जाता था कि कोई चीज से हम गोल्ड बना सकते हैं। तो केमिस्ट्री जो होता है, केमिकल चेंजेस ऐसे लाए कि कोई भी और एक मटेरियल जो है जैसे वो सोना बन जाए, तो उसे अल्केमी करके एक ब्रांच कहा जाता था। तो अल्केमी मतलब द पावर और द मैजिक टू चेंज थिंग्स। सो अल्केमी ऑफ नेचर के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। चैप्टर का नाम है अल्केमी ऑफ नेचर, मतलब नेचर में कैसे चीज बदल जाती है। तो हम कुछ चीज को टच करेंगे एंड इट बिकम एंड वी बिकम, अगर हम नेचर को टच कर लेंगे, हम नेचर को समझ जाएंगे, तो हम खुद सोने के बन जाएंगे। ये हमारा चैप्टर है। अब इसके बेस जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। ऊपर जो सवाल थे ये देखिए, ये तो ये हमारा बॉक्स है। व्हाट डू द फॉलोइंग थिंग्स डू इन नेचर? स्टार्स। तो इसका आंसर हम पैसेज से ही लेंगे। ये देखिए यहाँ पे, ये स्टार्स कहाँ आया था हमारा, ये रहा स्टार्स। तो शाइन अक्रॉस द इनफाइनाइट स्काई, तो यही पार्ट हमें यहाँ पे लिखना है। शाइन अक्रॉस द इनफाइनाइट स्काई। क्लाउड्स भी यहीं पे, ये देखिए क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स विद एवरी पासिंग मोमेंट। तो जो यहाँ पे लिखा है सेम टू सेम हमें कॉपी करना है। जैसे रेनबो का किया हुआ है ऑलरेडी, हमें 2 मार्क्स का सवाल है ये, तो 4 मार्क्स मिलेंगे चार बॉक्स के लिए। 5वां बॉक्स ऑलरेडी किया हुआ है। रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई, देखो ये हमें हिंट भी देता है, रेनबो लिखा है, कलर्स द एंटायर स्काई आंसर लिखा गया, तो हमें ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट है ट्रीज। ट्रीज के बारे में क्या लिखा है, ये देखिए यहाँ पे ट्रीज, बेयर ऑफ ऑल लीव्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स, और फिर इन स्प्रिंग द ट्री इज बैक टू इट्स ग्रीन मेजेस्टी वंस अगेन, फुल ऑफ लीव्स फ्लावर्स बर्ड्स एंड लाइफ। तो ये हमने यहाँ पे दोनों पार्ट लिखा है। ट्रीज के बारे में क्या है, क्या करते हैं वो, बेयर ऑल इट्स लीव्स एंड देन कम्स बैक टू इट्स ग्रीन मेजेस्टी वंस अगेन, फुल ऑफ लीव्स फ्लावर्स बर्ड्स एंड लाइफ। तो वो भी लिखा कि पहले पत्ते झड़ जाते हैं और फिर वापस से वो हरा भरा बन जाता है। तो ये ट्री के बारे में, तो ये थोड़ा हमें मॉडिफाई करके लिखना है, पर ये भी इजी, हमने वहीं से वर्ड्स उठाए हैं। ऑयस्टर्स का भी डायरेक्टली दिया हुआ है। ये देखिए ऑयस्टर्स टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड ओपन अप विथ अ पर्ल, दे ओपन नहीं लिखना, एंड ओपन अप विथ अ पर्ल। तो हमारा 2 मार्क का आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है A1 हुआ, वो A2 में है ये 2 मार्क का। What do the following things in nature teach us? तो ants हमें क्या सिखाती है, grass हमें क्या सिखाता है, तो यहीं पे आंसर है। ये देखिए ants क्या सिखाते हैं हमें, many hands make work light। ये आपके एक्चुअली अगर आप इंग्लिश टेक्स्ट बुक खोलोगे तो ये आपका क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में ही है। ग्रास दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अचीव, ये आपका चैप्टर 1.6 है एल्केमी ऑफ नेचर। यहाँ पे देखिए जो इसकी एक्सरसाइज दी है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, ये देखिए। What things in nature teach us the following? Nothing is impossible to achieve. कौन सिखाता है? Grass. Problems are not permanent. Tree. Be humble and adjust. Water. तो ये actually हमारे answers यहाँ लिखे गए, और हम जो यहाँ पे पूछा है सवाल जो वो उल्टा पूछा है। What do the following things in nature teach us? Ants हमें क्या सिखाती है? तो ants का answer यहीं पे लिखा है, देखिए। Army of ants. Many hands make work light. है ना? तो यहाँ पे ये हमारा question था, answer हमें लिखना था, यहाँ पे अब हमें उल्टा पूछा है, तो हमें यही लिखना है। Many hands make work light. Grass, nothing is impossible to achieve. तो यहीं से हमने इसका आंसर लिया। ये 2 मार्क हो गए आपके। उसके बाद A3 जो है आपका यहाँ पे, कम्प्लीट द फॉलोइंग कोलोकेशंस विद द हेल्प ऑफ द पैसेज। अब कोलोकेशंस क्या होता है वो आपको समझना चाहिए। कोलोकेशंस मतलब वो वर्ड जो हमेशा एक जोड़ी में एक साथ आते, जैसे विंटर, तो विंटर के पहले हमेशा ये वर्ड बहुत बार आएगा, कोल्ड विंटर, है ना, मोमेंट। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर में ये वर्ड जो आ रहा है पैसेज में वो हमें देखना है। तो विंटर वर्ड कहाँ आता है ये देखिए, तो हमें कोलोकेशंस मतलब जो दो जोड़ी में वर्ड है, तो उससे पहले जो वर्ड लिखा होता है वही हमें लिखना है, बहुत ही सिंपल है। तो ये देखिए हमारा विंटर कहाँ आया, यहाँ पे ट्रीज के टाइम पे आया ना, कोल्ड विंटर मंथ्स, तो हमें कोल्ड लिखना है यहाँ पे। फिर हमारा था पैशन, पैशन यहाँ पे आता है, ट्रीज डांस विद अनहाइंडर्ड पैशन, तो हमें अनहाइंडर्ड लिखना है ना, जैसे स्काई इनफाइनाइट स्काई ऐसे, sky infinite sky unhindered passion, a moment bhi hai na, passing moment yahan pe, ye clouds take new shapes with every passing moment, to moment kaisa hota hai, pass hota hai, to passing moment, ye passing jo hai ye collocation ho gaya, to ye hum bas directly isme se dalna hai hame passage se search karke, aur ye hamare 2 marks aur ho gaye, to 6 marks humne already cover kar liye। ab next 2 marks jo ye doers directed hai, thoda grammar hai। pehla sentence hai, spider webs are delicate yet very strong। तो ये हमारे पैसेज से सेंटेंस हमें करना क्या है, ब्रैकेट में लिखा है, देखिए, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद ऑल्दो,
तो अल्दो करके लिखना है ना, तो अल्दो लिखते येट की जैसे ही काम करता है, तो येट की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो कैसे लिखेंगे हम, अल्दो स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट कॉमा, येट हट जाएगा, क्या जाएगा, दे आर, अल्दो दिस दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो येट हटके दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। सेकेंड है वी टच इट एंड बिकम गोल्ड असेट्स, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है और रीराइट द सेंटेंस। तो वी टच इट एंड बिकम गोल्ड असेट्स, मतलब जब हम इसे टच करते हैं हम गोल्ड के बन जाते हैं खुद भी। तो यहाँ पे जो है हमको क्या लिखना है, यहाँ पे क्वेश्चन टैग मतलब टच करके, तो वी डू समथिंग ना, तो डोंट वी, तो यहाँ पे कॉमा करके आएगा डोंट वी क्वेश्चन मार्क, सो दिस इज द क्वेश्चन टैग। फिर A5 जो हमारा क्वेश्चन है 2 मार्क का, ये हमें है क्वेश्चन कि हम अपने लाइफ में जब प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज आते हैं तो उससे कैसे डील करते हैं। तो इसका आंसर हमें जो लिखना है, मैंने लिखा है एक्चुअली, ये देखिए यहाँ पे A5 का। सो व्हेनेवर आई फेस अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज फेस प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज इन लाइफ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्राई नॉट टू गेट स्ट्रेस्ड एंड काम माई सेल्फ डाउन, कि अगर प्रॉब्लम डिफिकल्टी आ रही है तो हमें स्ट्रेस नहीं होना है, काम रहना है। Then I try to think of a solution for my problem. ठीक है, solution सोचना है हमें। I never give up. Give up नहीं करना है कि इसका तो कोई solution नहीं, ऐसे नहीं करना है। I know I have to be perseverant and optimistic to overcome my difficulties. हमें continuously काम करते रहना है, perseverant रहना है और optimistic रहना है कि अच्छा होगा, बुरा नहीं सोचना है। Pessimist सोचते कि गलत ही होगा, optimist सोचते नहीं अच्छा ही होगा, हम जैसे सोचे ये वैसा होगा, हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है। तो आई नो आई हैव टू बी पर्सिवरेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक टू ओवरकम माय डिफिकल्टीज। फिर और एक चीज जो मैं करूंगी ये है, आई आल्सो शेयर माय प्रॉब्लम्स विद माय पेरेंट्स एंड क्लोज फ्रेंड्स इफ नीड बी, अगर जरूरत हो तो उनके साथ भी शेयर करूंगी, सो दैट दे कैन हेल्प मी सॉल्व माय प्रॉब्लम। तो ये हमारा आंसर हो गया 2 मार्क का, पर्सनल रिस्पॉन्स। यहाँ पे मैंने की वर्ड्स लिखे थे, वहां पूरा आंसर भी लिखा है, तो ये आंसर आप लिख सकते हैं यहाँ पे अपने ओन वर्ड्स में भी। तो ये हमारा एक पैसेज कंप्लीट हुआ 10 मार्क्स, करेक्ट 6 मार्क्स ये थे और फिर 2+2 ये 10 मार्क्स। नेक्स्ट अभी आता है सेकंड पैसेज, ये है वी, देखो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज। तो पहले हमें 2 मार्क का सवाल सॉल्व करने से पहले एक पैसेज पढ़ना है, ये पैसेज है द कॉन्सर्ट से। तो ये देखो, सडनली अ डेयरिंग थॉट केम टू हर एंड शी एज शी हरीड होम शी सेड टू हरसेल्फ व्हाई नॉट, देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग इट। तो एक डेयरिंग थॉट उसके दिमाग में आया, मतलब जिसमें बहुत डेयरिंग लगेगी, इजी नहीं है वो करना, तो वो चीज उसके दिमाग में आई और वो जल्द से घर गई एंड शी सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से कहा क्यों नहीं, ट्राई करने में कोई हार्म नहीं है, है ना। इट वुड बी नाइस टू गो टू द कॉन्सर्ट, आई डोंट नो व्हेन वी विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी टू हियर पंडित रविशंकर। तो किसने, उसने ही कहा, वो लड़की ने, शी सेड टू हर मदर लेटर, उसने बाद में अपनी मम्मी से ये कहा। एंड हर फादर अग्रीड टू गेट द टिकट्स, और उसके कहने पर उसके डैडी भी अग्री हो गए, उन्होंने टिकट्स ले ली। फिर द नेक्स्ट डे स्मिता एंड हर फादर वर लीविंग फॉर द कॉन्सर्ट, हर ब्रदर स्माइल्ड एंड सेड। तो जब नेक्स्ट डे स्मिता और उसके डैडी, ये लड़की का नाम मतलब स्मिता है, हमें चैप्टर में तो पता ही है, पैसेज से भी पता चल गया। तो जब ये कॉन्सर्ट के लिए जा रहे थे, हर ब्रदर स्माइल्ड, उसका ब्रदर, उसने स्माइल किया एंड सेड इंजॉय योर सेल्फ, है ना, इंजॉय करना, जैसे हम कहीं जाते हैं वेकेशन पे कहीं, तो हमें कहा जाता है ना इंजॉय करना। दो द वर्ड्स केम आउट इन पेनफुल गैसेस, लकी यू। तो वो ब्रदर, हमें पता है चैप्टर में वो बीमार था, उसे कैंसर था, तो वो बोल रहा था लेकिन उसको जो है बोलने में भी उसको पेन होता था, उसकी जो सांसें ऐसे निकल रही थी, और उसने ऐसे धीरे से कहा लकी यू, मतलब तो कितनी लकी है। सिटिंग बिसाइड हर फादर इन द गैलरी स्मिता हर्ड एज इन अ ड्रीम, तो वो अपने फादर के साथ गैलरी में बैठ के कॉन्सर्ट देख रही थी, लाइव कॉन्सर्ट, और उसने सुन रही थी पंडित रविशंकर को, और उसको लग रहा था जैसे कि एक ड्रीम है, एज इन अ ड्रीम। स्मिता हर्ड एज इन अ ड्रीम द थंडरिंग वेलकम द ऑडियंस गेव द ग्रेट मास्टर, जैसे हम सपने में देखते हैं ना कि लोग जोर शोर है, तालियां बजा रहे, तो वैसे उसको थंडरिंग वेलकम उसने सुना ऑडियंस का, किसके लिए, ग्रेट मास्टर मतलब पंडित रविशंकर के लिए। देन द फर्स्ट नोट्स केम ओवर द एयर, फिर फर्स्ट जो उन्होंने नोट्स शुरू किए अपने, है ना, वो सितार मास्टर थे, तो वो जो उसने उन्होंने फर्स्ट नोट्स जो शुरू किए, तो व्हेन दे नोट्स जब हवा में आए, मतलब वो स्मिता ने जब उसे सुने, स्मिता फेल्ट एज इफ द गेट्स ऑफ अ लैंड ऑफ एन्चेंटमेंट एंड वंडर वर ओपनिंग, तो उसे ऐसे लगा जैसे कि कोई मैं जादुई दुनिया में जा रही हूँ और वहां के गेट्स मेरे लिए खुल रहे, स्पेल बाउंड, मतलब एकदम उसमें खो जाना, उस म्यूजिक में खो जाना। शी लिसन टू द अनफोल्डिंग रागास,
the slow plaintive notes, the fast twinkling ones. But all the while the plan she had decided on the evening before remained firmly in her mind. तो वो उसे enjoy कर रही थी, लेकिन उस time पे भी वो उसका plan जो था कि evening में मुझे क्या करना है, वो उसके दिमाग में firmly था. The chance of a lifetime. She heard Anand's voice in every beat of the tabla. तो तबला जब बजाया जा रहा था तो उसके अनंत, जो अनंत उसके भाई का नाम है, उसका उसकी आवाज स्मिता को आ रही थी. द चांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ये जिंदगी में एक चांस मिलता है, वो ये चांस है. द कॉन्सर्ट केम टू एन एंड, द ऑडियंस गेव द आर्टिस्ट अ स्टैंडिंग ओवेशन. तो कॉन्सर्ट खत्म हो गया और ऑडियंस स्टैंडिंग ओवेशन, मतलब खड़े होकर जो तालियां बजाते हैं ना, उसको स्टैंडिंग ओवेशन कहते हैं. तो ऑडियंस गेव द आर्टिस्ट अ स्टैंडिंग ओवेशन. A large mustachioed, having a long mustache man, मतलब कि एक मूछ वाला, बड़ी मूछ वाला एक बड़ा सा आदमी, ऐसे made a long boring speech, एक लंबी boring speech उसने दी. Then came the presentation of bouquets, तो फिर बुके दिए गए. Then more applause, applause मतलब वो तालियां, appreciation, तो और applause हुआ, तालियां बजी, and the curtain came down, और फिर पर्दा गिर गया, जो stage पे theater जो भी होता है, function concert होता है, तो पर्दा होता है, वो गिर गया, मतलब खत्म हो गया शो. द पीपल बिगैन टू मूव टुवर्ड्स द एग्जिट, और लोग अभी एग्जिट की तरफ जाने लगे. तो ये हमें पैसेज दिया गया है, आगे लास्ट थ्री लाइंस है. नाउ वाज द टाइम, स्मिता व्रिगल्ड हर वे थ्रू द क्राउड्स ऑफ द स्टेज. तो ये क्या है, स्मिता अब व्रिगल करना, मतलब कि अपना रास्ता खोज खोज के ऐसे वो थोड़ा आगे निकलना. तो शी व्रिगल्ड हर वे थ्रू द क्राउड टुवर्ड्स द स्टेज. देन शी वेंट अप द स्टेप्स That led to the wings. और फिर ऊपर गई वो, और जैसे स्टेज पे दो साइड पे विंग्स होते हैं ना, दो साइड पे एंट्रेंस, जैसे एंट्रेंस एग्जिट की जा सकती है दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड पे, तो विंग्स. तो शी वेंट अप द स्टेप्स दैट लेड टू द विंग्स, तो वो विंग्स की तरफ गई. हर हार्ट बीटिंग लाउडली, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था. इन द विंग्स अ स्मॉल क्राउड हैड गैदर्ड टू टॉक अबाउट द इवनिंग कॉन्सर्ट. तो विंग्स में भी एक स्मॉल क्राउड वहाँ पे था जो इवनिंग कॉन्सर्ट के बारे में बात कर रहा था. टू हेल्प कैरी बुकेज एंड टी कप्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, तो बुके टी कप इंस्ट्रूमेंट्स जो सब वहाँ था उसको कैरी करने में वो सब मदद कर रहे थे. तो ये बैक स्टेज वो पहुंचे. तो यहाँ तक हमारा पैसेज है और हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने. अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है पैसेज के ऊपर B1, पहले वो देखेंगे. ये देखिए, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द अकरेंसेस इन द पैसेज. तो चार सेंटेंसेस दिए, हम पढ़ लेंगे इन्हें. शी वेंट अप द स्टेप्स दैट लेड टू द विंग्स. She listened to the unfolding ragas. A daring thought came to her and she hurried home. She sat beside her father in the gallery. हमें पता है हमारा passage जो शुरू हुआ है वहाँ पे सबसे पहले ये था number 3. तो third statement पहले आएगा, daring thought आया. Then वो गई concert के लिए, तो वो gallery में अपने father के साथ बैठी. फिर उसके बाद ragas शुरू हुए, concert शुरू हुआ. She listened to the unfolding ragas. तो 3, 4 then 2 and then finally जब concert खत्म हो गया तो वो फिर wings पे गई पंडित रविशंकर से मिलने. तो ये जो है चार है ऑर्डर, 3, 4, 2, 1. तो इस ऑर्डर में हमें लिखना है, तो हमको कंप्लीट सेंटेंसेस लिखने हैं यहाँ पे उस ऑर्डर में. पहले नंबर 4, ये नंबरिंग नहीं चेंज करना हमें, नंबर 4 करके आप, नंबर 3 करके आप स्टार्ट करोगे. नंबर 3, अ डेयरिंग थॉट केम टू हर एंड शी हरिड होम. देन यू विल राइट नंबर 4 दिस सेंटेंस, देन नंबर 2 इसके नीचे. तो नंबरिंग चेंज नहीं करनी, नंबरिंग वही रहेंगी लेकिन रीअरेंज करके हमें इन्हें लिखना है, ठीक है. तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. उसके बाद पैसेज के बाद ये B2 जो सवाल है हमारा, पिक आउट टू सेंटेंसेस व्हिच इंडिकेट स्मिता वाज एंजॉयिंग द कॉन्सर्ट. तो ये है ना लिखा यहाँ पे, स्मिता फेल्ट एज इफ द गेट्स ऑफ लैंड ऑफ एंचांटमेंट एंड वंडर वर ओपनिंग. ये एक है, एक पैसेज से लिया हमने. स्पेल बाउंड शी लिसन टू द अनफोल्डिंग रागास, द स्लो प्लेंटिव नोट्स, द फास्ट ट्विंकलिंग वंस. तो स्पेल बाउंड हो गई वो, तो शी वॉज एंजॉयिंग, है ना, ये हमें पता चलता है. फिर B3 सवाल है, तो ये भी बहुत सिंपल है ना. मैच द कॉलम्स टू द करेक्ट मीनिंग्स एंड रीराइट. तो हमें मैच करना है, मतलब रीराइट करना है, मतलब नंबर 1 एंचांटमेंट, और फिर उसके बाद एंचांटमेंट क्या होता है, मतलब एकदम एंजॉय कर रहे है ना, मतलब ऐसे मैजिकली एंजॉय कर रहे एंचांटेड. तो ये जो है सी के साथ आएगा, फीलिंग ऑफ ग्रेट प्लेजर. तो 1 एंचांटमेंट डैश करके आप लिखोगे, आप बॉक्स बना के आप ऐसे लिखोगे टेबल, सी अ फीलिंग ऑफ ग्रेट प्लेजर. फिर 2 अ स्टैंडिंग ओवेशन, मतलब खड़े होकर जो अप्रेस करते हैं, नो तालियां बजाते, तो पीरियड ऑफ प्रोलॉन्ग अप्लॉज, तो ये आ जाएगा. फिर 3 गैस्प्स, गैस्प मतलब शॉर्ट क्विक ब्रेथ ऑफ एयर. तो ये इसके साथ हम ये बी करके पूरा पूरा लिखेंगे हम, है ना, वो लिखा है रीराइट, तो पूरा हमें लिखना है. प्लेंटिव 4 वाला जो है इसका मतलब है साउंडिंग सैड और मोनफुल.
पंडित रविशंकर जो नोट्स प्ले कर रहे थे वो यहाँ पे है, हमारा वर्ड आता है स्पेल बाउंड शी लिसन टू द अनफोल्डिंग रागास द स्लो प्लेंटिव नोट्स जो सैड नोट्स थे वो भी और द फास्ट ट्विंकलिंग वंस तो स्लो नोट्स फास्ट नोट्स दोनों तो प्लेंटिव वर्ड का मतलब होता है साउंडिंग सैड और मोनफुल तो ये B3 हो गया हमारा सिंपल था ये भी B4 डुएस डायरेक्टेड आता है हमारा मतलब थोड़ा ग्रामर है ये तो देखिए दो सेंटेंसेस दिए हैं डुएस डायरेक्टेड द कॉन्सर्ट केम टू एन एंड द ऑडियंस गेव द आर्टिस्ट अ स्टैंडिंग ओवेशन तो इसको हमें बिगिन द सेंटेंस विद नो सूनर धैन ऐसे करके लिखना है तो नो सूनर और फिर धैन बाद में आता है तो हमारा सेंटेंस बनेगा नो सूनर डिड करके आता है नो सूनर डिड द कॉन्सर्ट कम टू एन एंड केम टू एन एंड नहीं आएगा नो सूनर डिड द कॉन्सर्ट कम टू एन एंड सेम को सेमीकोलन कर सकते हम द ऑडियंस गेव द आर्टिस्ट अ स्टैंडिंग ओवेशन तो ध्यान करके आएगा ध्यान और पूरा सेम आएगा द ऑडियंस गेव द आर्टिस्ट अ स्टैंडिंग ओवेशन सिर्फ यहाँ केम का कम करने नहीं भूलना है और नो सूनर डिड और यहाँ पे ध्यान डालना दो पार्ट में सेंटेंस होता है तो यहाँ पे एक पार्ट नो सूनर करके और फिर ध्यान करके ऐसा सिर्फ इम्पोर्टेंट है कि कम बनेगा ये है ना नो सूनर डिड द कॉन्सर्ट कम टू एन एंड फिर नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस है इन द विंग्स अ स्मॉल क्राउड हैड गैदर्ड टू टॉक अबाउट द इवनिंग कॉन्सर्ट तो यहाँ पे हमें डिटर्मिनर्स पिक आउट द डिटर्मिनर्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंस तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं तो ये सेंटेंस में नाउन क्या क्या है विंग्स नाउन है क्राउड नाउन है और कॉन्सर्ट नाउन है तीन नाउन है हमारे पास तो विंग्स को डिटर्मिनर करने वाला क्या है ध विंग्स मतलब कौन सी ध विंग्स तो ये ध तो आर्टिकल्स भी सारे जो है डिटर्मिनर्स ही होते हैं तो ये ध विंग्स आर्टिकल्स आर ऑलवेज डिटर्मिनर्स तो अध अ ध जितने भी है वो सारे डिटर्मिनर्स है और अगर कोई वर्ड हमें उसके बारे में नाउन के बारे में और बता रहा है जैसे अगर प्रोनाउंस भी होते हैं हिज बुक हिज सर्च हिज वॉइस ऐसे कुछ भी है तो वो भी डिटर्मिनर है हिज माय है ना और फिर अगर क्वांटिटी बता रहे जैसा कोई नंबर भी आएगा 10 पीपल ऐसे कुछ होगा तो 10 भी डिटर्मिनर है नंबर्स जो होंगे वो भी डिटर्मिनर होंगे दीज दोज दैट है ना दीज पीपल दोज फ्रेंड्स तो ये सब दीज दोज भी सब डिटर्मिनर्स होते हैं और अगर क्वांटिटी जैसे हमें बता रहे फ्यू लिटिल है ना ऐसे सब वर्ड्स होते हैं वो भी डिटर्मिनर्स होते हैं तो ये स्मॉल भी एक आइडिया दे रहे हैं नंबर ऑफ पीपल का तो इसीलिए मैंने इसे डिटर्मिनर लिया है तो ये सारे हमारे सेंटेंस के डिटर्मिनर्स है फिर B5 आपका पर्सनल रिस्पॉन्स है यहाँ पे सवाल है वुड यू लाइक टू सी अ लाइव कॉन्सर्ट और वुड यू प्रिफर टू सी इट ऑन टेलीविजन व्हाई तो यहाँ पे सवाल का जवाब कैसे आएगा कि आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं लाइव कॉन्सर्ट या टीवी तो यहाँ पे एक आंसर मैंने लिखा है कि मुझे लाइव कॉन्सर्ट पसंद है टीवी पे देखने से क्योंकि आई वुड प्रिफर जैसे यहाँ लिखा आई वुड प्रिफर टू सी अ लाइव कॉन्सर्ट देन सीइंग इट ऑन टेलीविजन व्हाई बिकॉज इट वुड बी मोर लाइवली है ना लाइव कॉन्सर्ट बहुत ज्यादा लाइवली होगा एक्चुअली मेरे सामने सब हो रहा होगा आई वुड देन फील द एक्साइटमेंट इन द एयर एंड थरली एंजॉय द एक्सपीरियंस विदाउट एनीथिंग एल्स टू डिस्ट्रैक्ट मी है ना जो टीवी पे हम देखते तो हमें और भी काम होते हैं सब कुछ चल रहा होता है तो हम पूरा पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर सकते लेकिन अगर हम लाइव कॉन्सर्ट में तो एक्चुअल उसको देख सकते हैं और एक्साइटमेंट को भी फील कर सकते ऑल्सो आई कैन एंजॉय द कम्प्लीट परफॉर्मेंस विदाउट एनी एडिटिंग एंड एडवर्टीजमेंट ब्रेक्स है ना तो पूरा परफॉर्मेंस होगा कोई एडिटिंग नहीं होगा एडवर्टीजमेंट ब्रेक्स नहीं होगा आई मे ऑल्सो गेट अ चांस टू मीट द परफॉर्मर्स गेट द ऑटोग्राफ्स एंड मे बी इवन इंटरेक्ट विद परफॉर्मर्स से भी मैं मिल सकती हूँ उनके ऑटोग्राफ्स ले सकती हूँ एंड इंटरेक्ट भी कर सकती हूँ शायद है ना तो ये बेनिफिट्स है इसीलिए आई वुड लाइक टू सी व्हाई है ना आपका सवाल तो आपको उसके लिए पॉइंट्स दो कि क्यों आपको लाइव कॉन्सर्ट देखना अच्छा लगेगा यहाँ पे मिस्टेक हो ये फेल नहीं आएगा ये फील आएगा डबल ई एल आएगा तो ये हमारे एक्टिविटी शीट 1 के क्वेश्चन सॉल्व हो गए एक्टिविटी शीट 2 अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विश यू ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू